नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में आईको 12 के साथ जो स्टॉक कैमरा है एंड जो जी कैम है उसके कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जी कैम एजीसी 9.2 को इंस्टॉल किया है आईको 12 डिवाइस के ऊपर। तो इस वीडियो में जी कैम के साथ स्टॉक कैमरा का एक कंपैरिजन करने वाले हैं, दोनों में से कौन सा बेटर है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जी कैम को डाउनलोड कर सकते हो आपके आईको डिवाइस के लिए। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं पर फोटो सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर जी कैम एंड स्टॉक कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से जो है पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एक चीज आप ध्यान से देखना, जो जी कैम है गूगल कैमरा के साथ आपको जो है ज्यादा अच्छा जो है डिटेल्स देखने को मिलेगा, ज्यादा बेटर जो है क्वालिटी देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू आईको का जो स्टॉक कैमरा है। क्योंकि यहाँ पर हमने आईको 12 में जो विविड मोड है उसके साथ ही जो है सभी फोटो को जो है यहाँ पर क्लिक किया है। एंड जो आईको 12 के साथ जो जी कैम है उसमें जो है थोड़ा सा आपको ब्राइट फोटो देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। एंड यहाँ पर कलर के साथ भी थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखने को मिलता है। जो आईको 12 का जो स्टॉक कैमरा है काफ़ी हद तक सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक करता है एंड जी कैम के साथ जो आपको क्लोज टू एक्यूरेट और नेचुरल फोटो देखने को मिल जाएगा। इवन अगर चाहो तो जी कैम एजेंसी के साथ भी जो है सैचुरेशन को जो है एडजस्ट कर सकते हो फोटो क्लिक करने से पहले ही। बाकी यहाँ पर डेफिनेटली जी कैम के साथ ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। बाकी आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा जरूर से कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर ब्लर की अगर बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर आईको 12 का जो स्टॉक कैमरा है उसमें आप जो है ब्लर वगैरह को भी जो है एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कलर के ऊपर जो है पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कलर के साथ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है एंड डिटेल्स भी जो है जी कैम के साथ आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फोटो क्वालिटी सच में काफ़ी सही है। यहाँ पर जो वाइट बैलेंस है प्लस यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज वगैरह है, शेडो, HDR काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर मेन जो मैंने डिफरेंस को नोटिस किया है डिटेल्स एंड कलर प्रोफाइल, इसके अलावा और कोई डिफरेंस को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। HDR जो है कुछ कुछ टाइम जो आईको में थोड़ा सा मतलब जो जी कैम है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा, बट नॉर्मली जी कैम एंड स्टॉक कैमरा दोनों के साथ जो HDR है प्लस शेडो, हाईलाइट मैनेजमेंट, लाइट मैनेजमेंट काफ़ी सिमिलर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों में से जी कैम एंड स्टॉक कैमरा में से कौन सा आपको अच्छा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। एंड डेफिनेटली बैक कैमरा और रियर कैमरा के साथ साथ जो है यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी हमने फोटो क्लिक किया है। प्लस यहाँ पर आईको में जो मेन लेंस है एंड जो पेरिस्कोप लेंस है दोनों में जो है कलर शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, कलर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट जो मेन लेंस एंड अल्ट्रावाइड लेंस में जो है कलर में जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। सेम यहाँ पर जो है जी कैम में भी देखने को मिलता है। तो आईको 12 का जो स्टॉक कैमरा है एंड आईको 12 के साथ जी कैम के साथ अगर आप जो है मेन कैमरा एंड अल्ट्रावाइड लेंस में फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है HDR मोड जो है दोनों में काफ़ी सही से काम करते हैं, बट जी कैम के साथ जो HDR एनहांस मोड है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स को प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी सही देखने को मिलता है जी कैम के साथ। बाकी HDR प्रोसेसिंग भी काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो आईको का जो स्टॉक कैमरा है उसके साथ जो है फ्रंट कैमरा के साथ आपको ज़्यादा अच्छा फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर जी कैम एजेंसी 9.2 के साथ जो फ्रंट कैमरा का जो क्वालिटी है आईको 12 के साथ इतना बढ़िया नहीं है। एंड यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी इसमें भी जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों के साथ। तो मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा जी कैम एजेंसी 9.2 के साथ फोटो क्लिक करने के दौरान स्पेशली जो है यहाँ पर
फ्रंट कैमरे के साथ फोटो क्लिक करने के दौरान जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दो, उससे आपको जो है बेटर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरे के साथ फोटो क्लिक करने के दौरान। नाउ यहाँ पर बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ टिप्स भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं जो जी कैम है इसके बारे में। तो ये जो जी कैम एजीसी 9.2 का जो अपडेट है इसमें जो है अलग अलग फीचर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर HDR नेट प्लस यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस, ये सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ढेर सारी अवेलेबल है जी कैम एजीसी 9.2 के साथ। बाकी यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा है इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली आईक्यू 12 के लिए काफ़ी अच्छे से जो है ऑप्टिमाइज है ये जो स्टॉक कैमरा का एप्लीकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जी कैम के साथ जो है नाइट साइट मोड, पैरानोमा, फोटो स्पेयर, टाइम लैप्स प्लस पोर्ट्रेट मोड, ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। एंड सेम यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा है इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर सुपर मून मोड जो कि जी कैम में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर का जो ऑप्शन है जो कि जी कैम में अवेलेबल नहीं है, प्लस स्नैप शॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इसके अलावा प्रो मोड का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है जो कि जी कैम में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा का जो प्रो मोड है काफ़ी सही से काम करता है। एंड यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जी कैम के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान जो है स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आप जो है 4K 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे बैक कैमरा से, बट स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। बट यहाँ पर जो है स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है आप जो है वायरलेस माइक को भी यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेबलेशन, अल्टर स्टेबलेशन एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है स्टॉक कैमरे के साथ, जो कि काफ़ी सही है। तो ये सभी स्टॉक कैमरे के साथ फीचर्स देखने को मिलेगा स्टेबलेशन के साथ। नाउ यहाँ पर इमेज क्वालिटी की बात करते हैं, तो जी कैम के साथ जो HDR एनहांस मोड है इसमें आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, प्लस कलर एक्यूरेसी जो है जी कैम के साथ बढ़िया है। एंड स्टॉक कैमरे के साथ आपको जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। एंड जो इमेज प्रोसेसिंग है यहाँ पर हमने विविड मोड को सिलेक्ट किया था, तो काफ़ी हद तक सैचुरेट फोटो क्लिक कर रहा था जो कि सोशल मीडिया रेडी फोटो है जो कि काफ़ी सही है। तो अगर आपको एक्यूरेट कलर चाहिए तो जी कैम, अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटो चाहिए तो आप जो है स्टॉक कैमरा को यूज़ कर सकते हो विविड मोड को। इवन यहाँ पर जो है नेचुरल ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है स्टॉक कैमरा के साथ, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी के लिए स्पेशली ज़्यादा अच्छा डिटेल्स के लिए प्लस एक्यूरेट कलर के लिए आप जी कैम को यूज़ कर सकते हो, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही जो है यहाँ पर वीडियो के साथ क्वालिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि जी कैम के साथ जो स्टेबलेशन है यहाँ पर काम नहीं करेगा, प्लस यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग फिल्टर का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शन है, जैसे कि स्टॉक कैमरे के साथ जो है वायरलेस माइक को यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पर जी कैम के साथ जो है फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो बाकी यहाँ पर जी कैम और स्टॉक कैमरा दोनों में से कौन सा फोटो क्वालिटी आपको अच्छा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।